ये है अल आमना बर्ड्स एंड फीड स्टोर। तो हम यहाँ का आज विज़िट करेंगे। माशाल्लाह से व्यूअर देखें कितना खूबसूरत जोड़ा है ये, और कलर भी कितना खूबसूरत है। चाइना डफ है जी। ये कितने का पेयर है? ये आपको पड़ेगा 1000 रुपये। पर आ गए कॉकटेल, ये चारकोल है ना? चारकोल एक ग्रे, आपको पड़ेगा 6000 रुपये का। 6000 रुपये का ये कन्फर्म पेयर है। हाँ, तो कुछ एक्सपेंसिव बर्ड भी है व्यूअर यहाँ पे, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, अबरार हुसैन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल नैनो हैदराबादी में। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हैदराबाद बर्ड मार्केट पे, जो कि पक्के किले पे वाक़ है। तो आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया, काफ़ी लाइक किया। तो मैंने सोचा शायद जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, उनमें जो बर्ड लवर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्यों ना बर्ड से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस बनाई जाएं, ताकि जो शौकीन हज़रात हैं, जो परिंदों का शौक़ रखते हैं, जो बर्ड्स पालते हैं, उनको देखने के लिए एक अच्छा कॉन्टेंट मिल सके। तो व्यूवर्स, हैदराबाद जो बर्ड मार्केट है वो तो चूँकि हफ्ते में एक दफ़ा लगती है फ्राइडे वाले दिन, तो लाजमी नहीं है कि आप फ्राइडे को ही परिंदे या बर्ड्स वगैरह ख़रीदें या बेचें। उसके अलावा दिनों में भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती होगी या बेचने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आम दिनों में आप कहाँ से परिंदे ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसके लिए आपको रुख करना पड़ता है या शॉप्स का रुख करना पड़ता है, या आपको वैसे कस्टमर ढूंढने पड़ते हैं। कोई अगर ऑनलाइन व्हाट्सअप उसको ओलेक्स वगैरह पर आप ऐड देते हैं या दूसरे तरीक़ों से। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को हैदराबाद की जो बर्ड्स मार्केट मैंने आपको दिखा दी थी, उसके अलावा जो हैदराबाद में जो बर्ड्स शॉप हैं, वन बाय वन करके क्यों ना आप लोगों को हैदराबाद की कोशिश करेंगे पूरे हैदराबाद को कवर करने की। हैदराबाद के मुख्तलिफ एरियाज में जो बर्ड शॉप हैं, वहाँ वहाँ पर हम जाएँगे और आपको दिखाएँगे कि वहाँ पर कौन से परिंदे मौजूद हैं और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं बर्ड से रिलेटेड। उनके पिंजरे हैं, केज हैं, और जो उनके जो पॉट्स होते हैं, बर्तन होते हैं, और दाना होता है, मेडिसन्स होती हैं, वो आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई मुझे किसी दुकानदार वाले ने ये नहीं बुला के या पैसे दे के ये नहीं कहा कि हमारी वीडियो बनाए। मेरा जो मकसद है वो हैदराबाद को एक्सप्लोर करना है, तो हैदराबाद के मुख्तलिफ एरियाज़ के मतलब मैं वीडियो तो बनाता रहता हूँ। यहाँ तो कहने का मकसद ये था कि किसी भी तरह की कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जहाँ यहाँ पर मैं विज़िट कर रहा हूँ, जिस दुकान पर मैं जा रहा हूँ, आप वहाँ पर आएँ और वहाँ से आप परिंदे ख़रीदें। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को दिखाना है। अगर आप मुनासिब समझें, अगर आपको समझ में आए चीज़ें या दाम वगैरह, तो आप वहाँ से आगे परिंदे ख़रीदें। मैं किसी भी दुकान को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहीं से आगे जो बर्ड्स वगैरह ख़रीदें। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आज कहाँ पर मौजूद हूँ। तो अभी बस ये देखें, आज मैं मौजूद हूँ एयरपोर्ट रोड कहलाता है ये 12 नंबर के सामने, और 12 नंबर का एरिया है। अगर आप इस तरफ चले जाएं तो अल्लाह वाली मस्जिद आ जाएगी। अल्लाह वाली मस्जिद के जो कि मशहूर मस्जिद है यहाँ पे, काफ़ी फेमस नाम है। तो आप वहाँ से अल्लाह वाली मस्जिद से अगर आप ऑटोबान रोड की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको अल्लाह वाली मस्जिद से थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। वहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स की दुकानें हैं, और उन्हीं में से एक दुकान ये है अल आमना बर्ड्स एंड फीड स्टोर। तो हम यहाँ का आज विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स और परिंदे वगैरह जो आपको मिल जाएंगे। कोई इनका बोर्ड भी मेन रोड से नज़र आ जाएगा, और इसके अलावा दूसरा ये कि यहाँ परिंदे केज रखे हुए हैं, आप केज के ज़रिए भी आप इनको पहचान सकते हैं। तो चलते हैं अल आमना बर्ड्स एंड फीड स्टोर के अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इनके पास चीज़ें हैं जो हैं बर्ड से रिलेटेड, जो हैं मौजूद हैं, कौन कौन से परिंदे मौजूद हैं, और कौन सी फीड वगैरह यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, मेडिसन्स हैं। ये इनक्यूबेटर भी एक मुझे नज़र आ रहा है, तो इनके कुछ परिंदों के प्राइस भी हम मालूम करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, चलते हैं अल आमना बर्ड्स एंड फीड स्टोर। अब जैसे ही शॉप के अंदर इंटर होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ केज रखे हुए नज़र आ जाएंगे। तो बेसिकली मुझे कोई बर्ड्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, ना ही मैं उनके इसी तरह से नाम जानता हूँ। तो जो दुकान के जो मालिक हैं, जो इनके ऑनर हैं, उनसे हम बात करेंगे पहले जाके, और उनसे वही हमें बता पाएंगे कि कौन कौन सी नस्ल हैं, ये मुर्गियाँ कुछ रखी हुई हैं कौन सी नस्ल है, और उनके क्या क्या प्राइस जो हैं, किस प्राइस पे आपको मिल सकती हैं। जी तो विवाद, ये जो दुकान के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ने ऑरेंज ऑरेंज पहना हुआ है, बल्कि येलो येलो लेमन लेमन पहना हुआ है, तो भाई लग रहे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, कैसे हो? खैरियत से हो? खैरियत। ये कब से चला रहे हो आप दुकान? तकरीबन दो ढाई साल हो गए। दो ढाई साल से हो गए आपको। अच्छा, आपको परिंदों के बारे में मालूम हैं सारी, तो हम अपने व्यूवर्स को दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी दुकान पे कौन कौन से परिंदे और वो किस रेट पे मौजूद हैं। परिंदों के अलावा आपकी दुकान पे और जो परिंदों से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें होती हैं, यानी कि पॉट्स हो गए, पिंजरे हो गए, या मेडिसन्स हो गई, या उनकी फीड्स वगैरह हो गई, वो आप किस दाम पे देते हैं, ठीक है? तो आप हमारे साथ रहिएगा और बताइएगा हमें, क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं है परिंदों के बारे में, तो आप हमें बताइएगा
कौन सा परिंदा, उसका क्या नाम है और किस रेट पे वो आपकी दुकान से मिल जाएगा? तो आकाश भाई, ये जो आपकी दुकान के जो स्टार्ट में जो पिंजरे रखे हुए हैं, इन पिंजरों में ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं कबूतर। ये कौन सा कबूतर है? ये वो है, माइक थोड़ा ऊपर, ये शेराजी है। शेराजी कबूतर कहलाता है। तो ये पेयर है इसका, ये दूसरा तो वाइट है। अच्छा, ये लखा, एक लखा रखा हुआ आपने और एक शेराजी रखा हुआ है। क्या कीमत होगी इसकी? ये 500 रुपये का एक है। 500 का एक है वो शेराजी, 500 का एक है या लखा 500 का एक है? ये लखा 600 रुपये का है। लखा 600 का है और शेराजी 500 का है। अच्छा, इसी ये बीच वाला पिंजरा खाली और उसके नीचे आ जाए तो ये कुछ मुर्गियाँ हैं, कौन सी टर्की मुर्गी कहलाती है? ये काफ़ी बड़ी है भाई। हाँ, ये बड़ी होती है। इसकी क्या कीमत है? ये आपको पड़ेगी 9000 रुपये की जोड़ा। अच्छा, 9000 रुपये का जोड़ा है। अच्छा, ये अंडे वगैरह देती हैं? ये देती है। कन्फर्म है? कन्फर्म, लोन में छोड़ी जाती है। अच्छा, तो ये प्राइस जो है वो फाइनल है या इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी? तकरीबन 8000-8500 हो जाएंगे। 8500 हो जाएंगे। अच्छा, ये तो सादा मुर्गियाँ जो होती हैं, देसी मुर्गी है? ये मिस्री मुर्गी है। ये मिस्री मुर्गी अंडे देने वाली मुर्गी है। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? ये 1400 रुपये की एक है। 1400 रुपये का एक पीस मिलेगा, कोई भी आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये कोई फैंसी वाली लग रही है? गोल्डन बफ है ये। अच्छा, ये पेयर है? माशाल्लाह, व्यूअर देखे कितना खूबसूरत जोड़ा है ये और कलर भी कितना खूबसूरत है। ये कितने का जोड़ा मिल जाएगा? ये आपको पड़ेगा 5500 का जोड़ा। 5500 रुपये का फाइनल है। और अंडे की गारंटी होगी? अंडे देंगे गारंटी। हाँ, गारंटी। अच्छा, और इसके नीचे भी मुर्गियाँ हैं। अच्छा, ये भी मिस्री मुर्गी है। ये कितने की? ये 500 की बताइए आपने। 1400 रुपये की एक। अच्छा, ये 1400 की है। और इसमें और ऊपर वाली मुर्गी में क्या फ़र्क है? एक ही है वो। एक ही है तो उसके आपने पैसे, अच्छा इसके भी 1400 ही बताए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, ये एक और फैंसी क्या मुर्गी कहूँगा इसको, गोल्डन बफ है भी। ये गोल्डन बफ है, वो भी तो गोल्डन बफ थी, वो छोटे वाली थी। अच्छा, इसमें बड़ी भी आती है? बड़ी भी होती है। अच्छा, ये कितने का जोड़ा है? ये आपको पड़ेगा 6000 रुपये का जोड़ा। 6000 रुपये का फाइनल ये फाइनल। अच्छा, ये भी वाइट है? वाइट है, गोल्डन। अच्छा, ये भी इतने का ही है? हाँ, ये भी 6000 का। सही, ये नीचे आ जाओ मिस्त्री। ये दोबारा से मिस्त्री आ गई 1400 रुपये की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये भी मिस्त्री मुर्गियाँ हैं। ये भी मिस्त्री मुर्गियाँ हैं। ये भी आ गई। ठीक हो गया। असील मुर्गे का जोड़ा है ये भी, बस ये असील मुर्गे का जोड़ा है। अच्छा, ये जो पीछे जो मुर्गी है पीछे वाली मुर्गी है, असील है। अच्छा, उसका कलर तो बड़ा खूबसूरत है यार। कितने का जोड़ा है ये? 5000 रुपये का। 5000 रुपये का जोड़ा है, ज़बरदस्त। तो अभी बस जो बाहर जो शॉप के बिल्कुल बाहर जो है इन्होंने केज रखे हुए हैं, उनके अंदर ज़्यादा तादाद जो है मुर्गियों की है, वो मुख्तलिफ नस्ल की, मुख्तलिफ किस्म की मुर्गियाँ हैं और मुख्तलिफ कीमत भी है उनकी, तो वो हमने आपको दिखाई। अब हम आ गए हैं दुकान के अंदर। यहाँ पे कुछ फीड भी रखी हुई है, लेकिन फीड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप पहले जो यहाँ पे बर्ड हैं, क्योंकि हम बर्ड के मुतालिक बना रहे हैं तो स्टार्ट हमने बर्ड से लिया है, तो पहले हम आपको बर्ड के मुतालिक बता देंगे कि यहाँ पे कौन कौन से परिंदे हैं, उसके बाद हम फीड या मेडिसिन वगैरह या जो दूसरी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये तो ऑस्ट्रेलियन है ना? ये ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। अच्छा, ये कितने का पेयर है? ये आपको पड़ेगा 600 रुपये का पेयर है। 600 रुपये का पेयर है जी। अच्छा, बॉन्डेड पेयर है, अंडे वगैरह देंगे? अंडे वगैरह देंगे, लगे हुए पेयर हैं। अच्छा, ये क्या कहलाती है? ये चाइना डफ है। चाइना डफ है जी। ये कितने का पेयर है? ये आपको पड़ेगा 1000 रुपये का। 1000 रुपये का फाइनल कीमत बताना, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको कुछ रियायत भी करना। फाइनल है। ये दोबारा ऑस्ट्रेलियन आ गए? ये ऑस्ट्रेलियन आ गए। ये 600 रुपये का पेयर है। 600 रुपये का पेयर है। और ये कॉकटेल? ये ऊपर आ गए कॉकटेल। ये चारकोल है ना? चारकोल, एक ग्रे। ये पेयर है? ये पेयर है। अच्छा, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 5500 का। 5500 रुपये का जी। अच्छा, ये जो वो कन्फर्म पेयर है? कन्फर्म पेयर है। ठीक है, ये लव बर्ड? ये लव बर्ड आ गया। ये फिशर है, इसमें एक फिशर है जो ग्रीन वाला फिशर कहलाता है ना? ग्रीन वाला फिशर कहलाता है। और ये उसके बराबर में बीच में जो है ये फिशरी है, ये फिशरी कहलाता है। और जो इसके बराबर में व्हाइट वाला जो वो ऑफलाइन है? ऑफलाइन है। अच्छा, ये इनकी क्या क्या कीमत है? ये आपको पड़ेगा एक 1500 का पड़ेगा फिशर वाला, जो ग्रीन वाला 1500 का फिशर, जो फिशरी है वो आपको पड़ेगा 2500 रुपये का। अच्छा, और ये ऑफलाइन है वो आपको पड़ेगा 4000 का। 4000। अच्छा, इसमें नर मादा की क्या पहचान होती है? पहचान करके देंगे? पहचान करके देंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है सब पहचान? हाँ, पहचान आप लोगों का तो काम है भाई। अच्छा, ये दोबारा लाल आंख वाले? अच्छा, ये रेड आइज ऑस्ट्रेलियन ही है मगर ये रेड आइज में। अच्छा, इसका कितने का जोड़ा है? ये आपको पड़ेगा 800 रुपये का। 800 रुपये का जोड़ा। अच्छा, ये तो फिंचेस हैं? ये फिंचेस। ये ज़ेब्रा फिंचेस हैं? ये ज़ेब्रा है, वाइट भी है। अच्छा, ये ज़ेब्रा, एक ज़ेब्रा है और वाइट, दो टाइप की है? हाँ, दो टाइप की है। अच्छा, ये कितने का है पेयर है ज़ेब्रा का? ये आपको पड़ेगा 800 रुपये का। ज़ेब्रा का 800 का पेयर है। और जो वाइट वाली है? ये भी 800 का। अच्छा, दोनों 800 का, कोई भी ले 800 का। और ये जो एक नीचे ग्रे सी नज़र आ रही है ब्लैक वाली, ये भी वही है मगर थोड़ी सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है।
ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ मजीद ऑस्ट्रेलियन बर्ड रखे हुए हैं, ये भी ऑस्ट्रेलियन है, ये भी ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, इसमें कोई इसमें ये बड़ा पेयर है, ये बड़ा पेयर है, ये जो किंग साइज कहलाता है, किंग साइज है। अच्छा, ये किंग साइज का पेयर है, ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 1500 का, 1500 रुपए का जी। और ये भी वही है ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, ये सारे ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। ये कबूतर आ गया है, ये कौन सा कबूतर है? ये वो है लाल शेराजी, लाल शेराजी है ये। अच्छा, ये कितने का पेयर है? ये आपको पड़ेगा अल्लाह भला करे 2000 का, 2000 रुपए का। और ये फिर ये फिंचेज हैं, ये भी ज़ेब्रा फिंचेज हैं? हाँ, ये अंडर साइज की हैं। अच्छा, अंडर साइज की हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिर से लव बर्ड ऊपर रखे हैं, ब्लू वायलेंट है, ये ब्लू वायलेट है। हाँ, ये कितने का पेयर है? ये आपको पड़ेगा 6000 रुपए का, 6000 रुपए का। ये कन्फर्म पेयर है? कन्फर्म है। ये वही फिशर आ गई, ये ब्लैक ब्लैक मास्केट है। अच्छा, ब्लैक मास्केट है। और एक ये फिश वो ब्लोटिनो पसनाटा। अच्छा, ये कितने का पेयर है? ये आपको पड़ेगा 7000 रुपए का। और ये वाला हम बीच में मिस कर गए, नीचे बैठे हुए थे, ये आपको पड़ेगा 5000 रुपए का, कलर लबट है। अच्छा, और ये वाला जो ब्लू है, ये ब्लू आइलैंड है, ये कितने का है? ये 6000 रुपए का। अच्छा, तो कुछ एक्सपेंसिव बर्ड भी हैं व्यूअर्स यहाँ पे, ये देखिए, ये कौन सा है? लोरी, ये लोरी है। अच्छा, ये पेयर है या पूरा पेयर है? ये पूरा पेयर है। हाँ। कितने का पेयर मिलेगा? ये आपको पड़ेगा 70000 रुपए का, 70000। अगर कोई इनका सिंगल लेना चाहे, यानी कि नर या फीमेल लेना चाहे, अलग से 40000 रुपए का, 40000 रुपए का अलग करके दे देंगे। अच्छा, ये अंडे वगैरह देते हैं? हाँ, देते। इनका सीजन क्या होता है वैसे, कौन से सीजन में अंडे देते हैं? ये देते हैं गर्मियों में। अच्छा, तो विवेक, ये गर्मियों में अंडे बच्चे करते हैं, इनका सीजन होता है। बहुत ही खूबसूरत परिंदा है ये, ये देखिए कितना कलरफुल है। तो विवेक, ये जो यहाँ पे मैंने परिंदे वगैरह जो है यहाँ पे, इनके पास कौन कौन सी वैरायटी हैं वो आपको दिखा चुका हूँ। अब हम इनके कुछ फीड वगैरह के रेट भी मालूम कर लेते हैं कि फीड ये किस रेट पे देते हैं। ये बर्ड से रिलेटेड मुकम्मल शॉप है, आपको यहाँ से बर्ड्स के मुतालिक सारी चीज़ें तकरीबन मिल जाएंगी। ये इन्होंने कुछ मेडिसन भी रखी हुई हैं, जो आम यूज़ होने वाली मेडिसन हैं, जो अगर आपका बर्ड बीमार हो या उनको वाइटामिन वगैरह की चाहिए हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए कोई ब्रीडिंग फार्मूला भी आप लोगों के पास? हाँ, होता है, ब्रीडिंग फार्मूला भी है, ब्रीडिंग फार्मूला है, कैल्शियम है। अच्छा, कैल्शियम है, ऊपर ये कैल्शियम के भी ब्लॉक्स रखे हुए हैं। हाँ, ये कैल्शियम है। अच्छा, ये कैल्शियम तो ज़रूरी होते हैं ना जब बच्चे एक एक लगा दो तोतों में, तो ये तो हर तकरीबन अगर आप उनसे ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो आपको हर केज में ये लाजमी लगाने चाहिए, क्योंकि जब वो अंडे देते हैं तो उनको कैल्शियम की कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए ये कैल्शियम ब्लॉक होना ज़रूरी है आपके पिंजरे में। तो व्यूअर्स, ये इनके पास मेडिसिन भी हैं, इनको भी मैं दिखा चुका हूँ। अब फीड के मालूम करते हैं। ये फीड है, ये मुर्गियों की। अच्छा, ये मुर्गियों की फीड है, ये कैसे देते हो? ये 140 रुपए किलो है, ये A1 ब्रांड की एक फीड है, 140 रुपए किलो। ये ऑस्ट्रेलियन तोतों का दाना है, ये 120 रुपए किलो। गुड हो गया। और ये कॉकटेल का दाना है, कॉकटेल फिशर का, ये 120 रुपए किलो, ये 120 रुपए किलो, ठीक है। ये सादा बाजरा है, ये सादा बाजरा है, ये 90 रुपए किलो, ठीक है। ये कबूतरों का दाना है, मिक्सचर होता है, वो 90 रुपए किलो, ये सारा, ये 90 रुपए किलो, ये भी सारा 90 रुपए किलो। तो रेट आपके मुनासिब है, जो आम मार्केट में जो रेट मार्केट में जहाँ चल रहा है वही रेट है। अच्छा, गुड। ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 5500 का जोड़ा। तो ये व्यूअर्स, इंक्यूबेटर भी रखा हुआ है इनके पास, जिसमें आप अगर आप अंडों से बच्चे निकालना चाहें तो जी, ठीक है। अच्छा, इसका रिजल्ट कैसा? बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये केज है, लकड़ी का बना हुआ केज है, वुडन केज, दो पोर्शन का है। कितने का है ये? आपको पड़ेगा 3500 रुपए का, 3500 रुपए का। रेट मुनासिब बताना, आप मुनासिब बता रहे हैं भाइयों के लिए। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा आपको कोई सिंगल में कुछ लेना चाहें, दाना लेना चाहें, जैसे ये सूरजमुखी के बीज हैं, ये कैसे किलो है? 270 रुपए किलो, 270 रुपए किलो। और ये क्या कहलाता है? कैनरी सीड है, ये कैनरी सीड है जी। ये कितने? ये 500 रुपए किलो है, ये मेडिसन के लिए, फिशर वगैरह के लिए। ये अलसी है, अलसी सीड है, ये कैसे पड़ेगी? 350 रुपए किलो, ठीक है। और ये कौन सा है? ये कुर्तुम है, ये आपको पड़ेगा 270 रुपए किलो, 270 रुपए किलो। ये कंगनी है, बारीक कंगनी फिंचों के लिए, ये आपको पड़ेगी 170 रुपए किलो, ठीक है। भंग का बीज है, आपको पड़ेगा 300 रुपए किलो। अरे, परिंदा भंग भी खाते हैं क्या? हाँ, खाते हैं। अच्छा, ये कंगनी है, 170 रुपए किलो, सही। ये इनकी सौंफ, सौ फुट है, तोतों की वगैरह, सौंफ फुट है, यानी कि पानी में भिगो के देते हैं, भिगो के देते हैं, ठीक है। कैसे किलो है ये? आपको पड़ेगी 200 रुपए किलो, ठीक हो गया। ये मोटी कंगनी आपको 280 रुपए किलो है, ये आपको पड़ेगी जई है, 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो जई मिल जाएगी। ये मोटी कंगनी है, तोतों में जो दाने में मिक्स करते हैं, सही अपन, वही है, ये 170 रुपए किलो है। ये ग्रे ब्रीड का दाना है, जो बड़े रिंगनेट तोते नहीं होते, बड़े बड़े बर्ड्स के लिए,
ये आपको पड़ेगा 200 रुपये किलो। 200 रुपये किलो। ये मकई के दाने, ये दानों में मिक्स करते हैं अपन, ये आपको पड़ेगा 100 रुपये किलो। गुड हो गया। ये कटर मकई हो गई साबुत कटर मकई, वो आपको 100 रुपये किलो। सही। ये दाल है मिक्स, ये आपको पड़ेगी अल्लाह भला करे 100 रुपये किलो। सही। ये चने हैं जो भिगो के तोतों को डालते हैं अपन, सही, वो है 200 रुपये किलो। ये सिंध वाला बाजरा है, ये आपको पड़ेगा 120 रुपये किलो। ये सरसों है, ये आपको पड़ेगी 250 रुपये किलो। ये बाजरा है बारीक वाला 100 रुपये किलो। सही। गंदम, गंदम है, ये आपको पड़ेगी 120। ये लाल वाली गंदम है, ये वाइट चावल है, लाल चावल है, लाल चावल है। हाँ जी। ये कैसे? आपको पड़ेगा 120 रुपये किलो। ये ज्वार है, दानों में मिक्स करते हैं, कबूतर वगैरह खाते हैं, ये 100 रुपये। जी। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको विज़िट कराया अल आमना बर्ड्स से रिलेटेड जो शॉप है एयरपोर्ट रोड के ऊपर 12 नंबर के बिल्कुल पास अल्लाह वाली मस्जिद से। आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो वहाँ पे ये मौजूद है। हमने आपको दिखाया कि इनकी शॉप के ऊपर क्या क्या वैरायटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कौन से बर्ड मिल सकते हैं और बर्ड्स के जो दाना है, जो बर्ड जो फीड खाते हैं वो, और इसके अलावा जो इनके पास केज हैं या इनके पास जो बर्ड्स हैं उनके क्या क्या दाम हैं, किस काम कीमत पे आपको मिल सकते हैं। व्यूअर्स, इसके साथ ही दीजिए अपने होस्ट अबरार हुसैन को इजाज़त और देखते रहिए मेरा चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नैनो हैदराबादी का मिशन है हैदराबाद को एक्सप्लोर करना, हैदराबाद की मुख्तलिफ गलियों की, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों की, या हैदराबाद की कुछ तारीखी मकामात हैं, या हैदराबाद की जो मार्केट्स वगैरह हैं, तो उनके मुतलिक हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।